रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले का यह दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। एक साथ प्रज्वलित होने वाले दीपक गणना के समय 21 लाख से अधिक हो, इसके लिए 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें लगभग 1 लाख लीटर सरसों के तेल का उपयोग होगा। इन दीपकों को जलाने के लिए 25,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार अधिकतर दीपक स्थानीय कुम्हारों से लिए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में दीपकों के ऑर्डर मिलने से छोटे छोटे कुम्हारों को भी फायदा मिल रहा है। इस बार दीपोत्सव एक साथ दीपक जलाने को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, तो इन्हीं दीपकों के बीच सबसे बड़ा आकर्षण भी दिखाई देगा। इस दिवाली में सरयू के तट पर एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके निर्माण के लिए बड़ी संख्या में कुम्हार लगे हैं और घर घर दिए बनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में दिए बनाने के लिए कहीं स्वचालित चाक तो कहीं बिजली से चलने वाले चाक से कुम्हार दिए बनाने में जुटे हैं, और व्यवसाय बढ़ने से उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ देखी जा रही है। कुम्हार इससे उत्साहित तो है ही, इस बार उनका व्यवसाय बढ़ा है, साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी है कि वे इस महायोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं। साथ ही इस आयोजन और रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दे रहे हैं। आप लोग बहुत लंबे समय से दिए बनाने और तमाम बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है तब से कितना फर्क पड़ा है रोजगार? तब से बहुत फर्क पड़ा है, कम से कम सहारा तो रहता है, इतना मिलेगा। पहले तो सहारा नहीं था, दिन भर इधर उधर लेके बेचते थे, और कहीं 2,000 मिल गया तो कहीं 4,000 मिल गया, कहीं वो भी नहीं मिला। अभी तो कम से कम सहारा 10,000-20,000 दिए जाते हैं, इकट्ठा पैसा मिल जाता है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है उसके बाद से आम लोग भी आपके यहाँ दिए ले जाने आते होंगे, क्या फर्क पड़ा है? हाँ आते हैं, फिर उसके बाद जो भी हम लोग को समय मिलता है, दिया बचा रहता है, ले जाके दुकान रख देते हैं राज सदन के सामने और बेच डालते हैं। यानी कि अब बचते नहीं है? नहीं। एक आखिरी सवाल, जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है, योगी जी ने चूंकि ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो कोई भी मंत्री ऐसा सोचा किसी के लिए, कम से कम हम लोग कुम्हारों के लिए तो सोचे, इतना कम दिया जला रहे तो हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। हमारे सारे गांव को, हमारे मतलब जिला भर में जितने कुम्हार है सबको ऑर्डर जाता है। अनंत राम, जो दीपोत्सव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 21 लाख दियों को 51 घाटों पर प्रज्वलित करने का है। इसके सापेक्ष हमारे 25,000 वॉलंटियर्स, विश्वविद्यालय की शिक्षक और विद्यार्थीगण मिलके इस कार्य को पूरा करेंगे, और ये हर्ष का विषय है हमारे लिए, पूरे इस अयोध्या जनपद के लिए, कि जो दिए हम 21 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 24 लाख दियों को हम प्रज्वलित करेंगे, वो सारे दिए आसपास के गांवों से अयोध्या के सब कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनका पेमेंट उनके घर पर जा करके जिसको टेंडर मिला है वो इकट्ठा कर रहा है। तो ये आर्थिक दृष्टि से हमारे कुम्हार बंधुओं के लिए, परिवारों के लिए एक आर्थिक पक्ष उनका मजबूत हो रहा है। ये दीपोत्सव के माध्यम से एक अच्छा काम हो रहा है।